मुंबई में अगर आपको चैन से सोना है तो जाग जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सो रहे हैं और रात के अंधेरे में चोर घुस जाए और लाखों के गहने और कैश उड़ा ले जाए, आप माथा पीटते रह जाएंगे। जी हां, मुंबई पुलिस ने कांदिवली से ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। समतानगर पुलिस ने घरफोड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 11 तोला सोने का गहना, 11,000 नकद और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दरअसल समतानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत मिली थी कि आरोपी ने रात में घर के अंदर से मोबाइल, सोने के गहने, पैसे चोरी कर फरार हो गया, जिसके बाद समतानगर पुलिस सूत्रों की मदद से महज 12 घंटे के अंदर फरार चोर को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार आरोपी का नाम सुशांत दिनेश खेड़कर है। उसके ऊपर कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में चोरी के 6 मामले दर्ज है। आरोपी के पास से 11 तोला सोने का गहना, 11,000 नकद और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 3,65,000 रुपए है। शातिर चोर सुशांत बोरीवली पूर्व का रहने वाला है। समतानगर पुलिस ये जांच कर रही है कि चोरी की वारदातों में कितने लोग शामिल हैं और आरोपी ने कहा चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। समतानगर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में वैभव नगर जानुपाड़ा यहाँ पे रहने वाले श्री प्रशांत सुधाकर देवरमणि, इन्होंने 23 जनवरी को आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया कि उनके घर से कुछ कैश, सोने के गहने और मोबाइल चोरी हुए। एक हमारे गुप्त बातमीदार ने ऐसी बातमी दिया कि बोरीवली ईस्ट के परिसर में एक संशयित आदमी ऐसा ही घूम रहा है, इसलिए उबाली साहब पूरे टीम के साथ रवाना हुए। वहाँ पे जाके वो जो घूम रहा था उसको ताबे में लिया, पुलिस स्टेशन में लेके आए। ये हमारा जो गुना है उसके बारे में तपास किया तो उन्होंने कबूल दिया कि मैंने ये चोरी किया है। बाद में उसके पास से चोरी के एक मोबाइल, 11.5 तोला सोने के गहने और 11,000 रुपए ऐसे बरामद किए हैं। मेट्रो मुंबई के लिए संवाददाता धनुष धारी के साथ अर्चना यादव की रिपोर्ट।